तुम दोनों का रिश्ता अब रस्सी की तरह खिंचता चला जा रहा है, बस टूटने वाला है। मैं तो कहता हूं इसे तोड़ो और डिवोर्स ले लो बस। क्या बोल रहा है यार तू? सही बोल रहा है मंगू, बिल्कुल ही सही बोल रहा है। अब हमें डिवोर्स ले ही लेना चाहिए। ठीक है भाई, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो लो भाई डिवोर्स लो। देखो अगर तुम दोनों ने अलग होने का फैसला कर ही लिया है ना, तो मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। बोलो। देख भाई, बुरा मत मानिए मेरी बात का, जिस दिन तेरी शादी थी ना, उस दिन से लेके आज तक मैं ना बहुत इच्छाएं दबा कर बैठा हूँ। कौन सी इच्छा? शिल्पा से शादी करने की इच्छा। क्या पागल हो गया क्या तू? कैसी बेवकूफी वाली बातें कर रहा है यार? देख यार मेरी बात सुन, तू मेरी जितनी भी इच्छाएं थी ना, मैंने इनको तिजोरी में बंद करके उसका ताला लगा कर समुद्र की गहराइयों में फेंक दी है। लेकिन शिल्पा, शिल्पा आज इसका सुबह सुबह मेरे पास फोन आया, पता क्या कहने लगा कि भाई मुझे डिवोर्स चाहिए। शिल्पा मुझे लगा कि उस तिजोरी का समुद्र की गहराई से आज क्यों ना निकाल दिया जाए और अपनी सारी इच्छाओं का ताला तुम्हारे सामने खोल दिया जाए। शिल्पा कोई तिजोरी नहीं खुलेगी, किसे डाल समुद्र में, समझ गया तू? ये क्या समुद्र तिजोरी लगा रखा है? तुम दोनों को समझ भी आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? शिल्पा समझदारी तो तुम अब दिखा रहे हो डिवोर्स देकर। मैं तो कहता हूँ शिल्पा, पेपर सामने पड़े हैं और ये रहा पेन, कर दो साइन। शिल्पा तोड़ दो इससे रिश्ता और छोड़ लो मुझसे रिश्ता। शिल्पा छोड़ लो। अरे क्यों बोल रहे रिश्ता, कौन है तू, ऐसे ही कुछ भी बोले जा रहा है? शिल्पा कल ही मैंने पंडित जी से हाथ दिखाया, उन्होंने पता क्या बोला कि तुम्हारी जिंदगी में रोमांस का उफान आने वाला है, और देखो शिल्पा आज तुम मुझे मिल गई। अरे मंगू कौन सा पंडित, कैसा पंडित, क्या बोल रहा है? और कुछ भी बोला ना उन्हें थप्पड़ दूंगा। हाँ तो तूने बताया आज तक कोमल के बारे में कि तू कोमल को तिरछी नजरों से देखता है कूद कूद कर? ये तो तुम्हारी वही ऑफिस वाली कोमल है ना। शिल्पा कोमल के अलावा रिया, श्वेता, पूजा, मीना, अरे शिल्पा मेरा इलाज तो हो जाएगा लेकिन इस करेक्टरलेस आदमी का इलाज कैसे करोगे तुम बताओ? इसकी हरकतों के बारे में मैंने अगर बताना शुरू किया ना तो ये पानी पानी हो जाएगा। बंदा चार चार दिन तो नहाता ही नहीं है, एक ही कपड़े में घूमता रहता है। और इसकी जुराबों के बारे में मैं क्या बात बताऊं, तुम इसके जूते उतरवा कर इसकी जुराबे छू कर देखो, वही के वही मर जाओगी। और तू मेरी बीवी के साथ शादी करने की बात कर रहा है, उन्हें जा पर मारेगा। अरे मैं क्यों सूंघूं उसकी जुराबे? अरे क्यों सूंघे वो मेरी जुराबे, जुराबे तो धुलकर एक दिन ठीक हो जाएंगी। ठीक है शिल्पा, शिल्पा इस आदमी ने ना कर्जा ले रखा, कर्जा 8.5 लाख रुपए का कर्जा इसके सिर पर, जिंदगी भर ये तो कर्जा उतारता रहेगा। तुम कैसे रहोगी शिल्पा, कैसे? 8.5 लाख? हाँ तो चुकाऊंगा ना, उधारी तो लिया है। किसे छोड़ो, तुमसे शादी करके मैंने कौन सा सोना चांदी बना लेना है, पहले ये बताओ। अरे शिल्पा मेरे साथ शादी करने में पता कितनी भलाई है, हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं और तुम ही तो कहती थी ना कि जो मुझे जानता हो पहचानता हो समझता हो। शिल्पा मैं तो तुझे जानता भी हूँ, पहचानता भी हूँ, समझता भी हूँ। मैं चाहती तो थी पर अरे क्या अगर मगर है, इस चपरगंजू से शादी करेगी तू? ओए चपरगंजू किसको कहना है, दोस्त हूँ तेरा मैं दोस्त। अरे काहे का दोस्त, दोस्ती के नाम पे कलंक है तो कलंक, साला चपरगंजू, चपरगंजू नहीं साले तो सांप है सांप, इतने दिनों से मैं इससे पहले को पाल रहा था। अरे सांप किसे कह रहा है तू, सांप तुझे कह रहा हूँ। तुझसे अपनी बीवी तो संभाली नहीं जाती, इसकी बातों में मत आना शिल्पा, तुमको पता है तुमको मैं ही खुश रखूंगा हमेशा। शाम को 5 बजे आ जाता हूँ मैं, अच्छा खासा कमाता हूँ, कोई नशा पत्ते नहीं करता, ठीक है ना? और मेरे तो पंडित ने भी बोला कि मेरा रोमांस आने वाले टाइम में चरम सीमा पर होगा, फिर जीवन में रोमांस ही रोमांस होगा शिल्पा, रोमांस ही रोमांस होगा। मैं तेरा मर्डर कर दूंगा। रुको,
मैंने फैसला कर लिया है। हाँ हाँ करो करो साइन करो जल्दी जल्दी। एक मिनट, मैंने ये फैसला लिया है, मुझे फैसला लेने के लिए थोड़ा वक्त और चाहिए। अरे क्या वक्त है तुझे, इससे शादी करने के लिए तुझे सोचना पड़ रहा है। अरे सही तो कह रहा है, साइन करो जल्दी, तलाक दे दो इसको। कुछ भी नहीं, मैं तुझे मार दूंगा। अरे अरे मैं तो पंडित से कह दूंगा कि अगले हफ्ते का मुहूर्त भी निकलवा दे। मैं पंडित को भी मार दूंगा, कोई मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं है। चुप, मुझे ठंडे दिमाग से सोचने दो, मुझे शादी में रहना है या मुझे डिवोर्स करना है। अरे शिल्पा तुम अपने मकसद से भटक रही हो, डिवोर्स दे दो इसको फटाफट। अरे ओ तू समझाएगा, तू है फिर समझाने वाला, मेरी बीवी को मैं समझाऊंगा। एक मिनट, आज ये तेरी बीवी है ठीक है, कल तेरा डिवोर्स हो जाएगा, परसों ये मेरी बीवी हो जाएगी, और मेरी बीवी को समझाने वाला कौन होता है तू है? शिल्पा समझा दे। ए शिल्पा समझा दे इसे, मैं इसे मार दूंगा, और साले तू मेरे घर में बैठकर मुझे ही धमकी दे रहा है, तू अभी तक यहाँ कर क्या रहा है, खाओ। ओ भाई मेरे से ना ढंग में बात कर, समझ गया तू? शिल्पा के लिए मैं तेरी जान भी दे सकता हूँ। मुझे अब सोचने का वक्त चाहिए, अकेले में, तुम कुछ दिन बाहर ही रहो। तुम मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल रही हो? उठो चलो, रुको एक मिनट, चलो 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 दफो। अरे अरे अरे, ये घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है, अब अगले कुछ दिन इस घर के आसपास दिख भी ना जाना, दफा हो जाए यहाँ से, बड़े आए तेरी बीवी मेरी बीवी, चल। शिल्पा दरवाजा खोलो, शिल्पा दरवाजा खोलो। देख झमड़ू मेरे भाई, शिल्पा ने दरवाजा बंद कर दिया, मेरे मुंह पे दरवाजा देख के मारा। अरे मेरू अब मैं कहाँ रह हुआ है, मुझे क्या पता, तूने भी तो मेरे को घर से बाहर भिजवाया था ना, अब तू भी खाली घर से बाहर है। अब बस कर एक्टिंग, वो चली गई, अब बता कहाँ चल रहे हैं। तू बता, तू साले गोवा का कह रहा था चलने की। चलो गोवा चलते, पर तेरा बैग कहाँ है? मेरा बैग तो गाड़ी में यार, तू एक बता। पता नहीं यार भाभी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी यार, तूने पता नहीं क्या क्या बनवा दिया यार मेरे से। ए, कुछ नहीं, ये तो उससे छुट्टियां लेने का बहाना था। तूने मुझे नहीं हंसवाया फिर इसमें? अरे कुछ नहीं होता, चलो पता नहीं यार क्या। अरे कुछ नहीं, तू इंजॉय करेंगे यार।